नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की हेडलाइंस पर। यूपी की सियासी गर्मी को आज और बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में करेंगे धुआंधार प्रचार। योगी, अखिलेश और मायावती समेत बाकी दल के नेता भी कमर कसकर तैयार। आज ओडिशा में आमने सामने होंगे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। जेपी नड्डा भुवनेश्वर में रोड शो से शुरू करेंगे प्रचार अभियान, तो खड़गे कंधमाल में करेंगे रैली। अमित शाह बिहार में देंगे एनडीए 400 पार का नारा। केजरीवाल अमृतसर में करेंगे रोड शो। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। कैश कांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज से फिर भीषण गर्मी के आसार। अगले तीन दिन शुष्क मौसम के कारण 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। वहीं केरल के 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी होगा लॉन्च। और खेल की खबरों में ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद पहली बार घरेलू टूर्नामेंट में उतरे नीरज चोपड़ा। 82.27 मीटर थ्रो फेंक कर फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। तो ये थी सुबह की सुर्खियां, और सुबह की सुर्खियों के बाद अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की। 24 की चुनौती में तो मिशन 400 के संकल्प के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो ताबड़तोड़ 4 रैलियों को आज संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जौनपुर के बाद प्रधानमंत्री भदोही से भाजपा उम्मीदवार विनोद कुमार बिंद के पक्ष में एक रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं शाम 4 बजे यूपी के प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। और प्रधानमंत्री के अलावा ओडिशा में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ओडिशा में रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भुवनेश्वर में रोड शो करने वाले हैं, तो वहीं से रोड शो के बाद उनका लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। इसके बाद जेपी नड्डा आज 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा वारागढ़ और सुंदरगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कंधमाल के फुलबनी में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज बिहार में 2 रैली करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अमित शाह सीतामढ़ी में जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, और इसके बाद मधुबनी में भाजपा उम्मीदवार अशोक यादव के समर्थन में रैली करेंगे। वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 रैलियां करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज झारखंड में हजारीबाग और कोडरमा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान आज किया जाएगा बीजेपी की तरफ से तमाम अलग अलग जगहों पर। लेकिन वहीं अगर विपक्ष पर हम नजर डालें तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दो जनसभाओं को आज संबोधित करके अपने गठबंधन के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील करेंगे। दोपहर में करीब 2 बजे फतेहपुर में अखिलेश यादव चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे तो शाम में कौशाम्बी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज फतेहपुर के खागा में स्थित नवीन मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी करीब 2 महीने बाद आज पंजाब पहुंच रहे हैं और वो शाम को अमृतसर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट बेहद ही रोचक इन दिनों बनी हुई है। दरअसल मैदान में दोनों प्रत्याशी निषाद समुदाय से हैं और सबसे अहम कि इस बार के चुनाव में दोनों दलों के प्रत्याशी पाला बदलकर चुनावी समर में हैं। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय निषाद इस बार कांग्रेस के पाले में है तो कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी भाजपा के पाले में है। अब जनता को एक अर्धखेवनहर की तलाश है और ऐसे में देखते हैं कि आखिर धीरज कुमार की ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती है वहीं की जमीन से। चौसठ वर्षीय कमल सहनी मछुआरा समुदाय से आते हैं। कमल बीते 30-35 सालों से स्थानीय लोगों को मछली का स्वाद चखाते रहे लेकिन अपनी जिंदगी का जायका नहीं सुधार पाए। पानी बिजली अदद छत और रोजगार के लिए कुछ पैसों की आस में उम्र ढलान पर आ गई। कमल कहते हैं कि बीते 30 सालों से मुजफ्फरपुर को निषाद समुदाय का प्रतिनिधित्व मिला लेकिन मछुआरों की जिंदगी कितनी बदली। न बाजार मिला न पैसे, किनारे की आस में उम्र मझधार में ही बीत रही है। विकास में है कि मछुआ विभाग के ऐसे पैसा कौड़ी ऐसे मछुआ मछली पालने वाला के पैसा कौड़ी मिलना चाहिए से वो अपना है ऐसे बिजनेस करेगा यही सब विकास होना चाहिए तो वो सब मिलता है नहीं कभी नहीं मिलता है। एक बार है ऐसे मछुआ लोग के ऐसे व्यापारी है माने मछली बेचने वाला लोग के ऐसे माने फोटो वोटो खींच के ले गया फार्म उरम भर के ले गया कुछ नहीं मिला। भाजपा से कांग्रेस में आए अजय निषाद 10 साल से यहां के सांसद हैं। 4 बार उनके पिताजी कैप्टन जयनारायण निषाद भी यहां के सांसद रहे। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर की जनता का भरपूर प्यार इस परिवार को मिला लेकिन स्थानीय जनता और मछुआरे अपनी किस्मत नहीं बदल पाए। चुनाव दर चुनाव बीतते गए पाला बदलने के बावजूद स्थानीय जनता अपना प्यार निषाद परिवार पर लुटाती रही। आप जाएंगे गांव के परिवेश में और जाके मिलेंगे गांव में हमसे जो बन पाया है अपने समाज के लिए बहुत काम किए हैं और उसी का कारण रहा कि जब पिछली बार हम चुनाव लड़ रहे थे तो मुझको 90% से अबव वोट सनी समाज का मिला था और इस बार भी उतना ही मिलेगा और चुनाव का बहुत अच्छा माहौल हो गया है और चुनाव में जीतने जा रहा हूँ। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी इस बार कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आए हैं। राजभूषण कहते हैं केंद्र की भाजपा सरकार ने मुजफ्फरपुर और मछुआरों की जिंदगी बदलने की भरपूर कोशिश की है। मत्स्य संपदा योजना से हजारों करोड़ों की मदद, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआरों के लिए अलग से बना मंत्रालय। राजभूषण कहते हैं कि जनता को भरोसा है कि मछुआरों के दिन जरूर फिरेंगे। देखिए हर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास होना है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। रोड का कंडीशन आप देख रहे हैं खराब है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया जर्जर स्थिति में है। अभी भी बहुत सारे एरिया में चचरी पुल पर लोग चलने के लिए बाध्य हैं तो कोई काम ही नहीं हुआ। हर क्षेत्र में स्कूल की स्थिति जर्जर है। इंडस्ट्रियल हब बनाने की आवश्यकता है, एजुकेशन की हब बनाने की आवश्यकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। यहाँ एम्स नहीं मिल पाया जो बगल के दरभंगा में चला गया तो कहीं ना कहीं बहुत सारे संभावनाएं हैं यहाँ काम करने की। स्थानीय पत्रकार यशवंत कहते हैं 18 लाख की आबादी वाले मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र को जॉर्ज फर्नांडिस के बाद सभी प्रत्याशियों ने ठगा ही है। कांटी थर्मल पावर, भारत वैगन, IDPL,
बेला औद्योगिक क्षेत्र और मुजफ्फरपुर दूरदर्शन जाट साहब की देन है। प्रतिनिधियों ने अपने समुदाय को मुख्य धारा में लाने में अपना तिनका तक भी नहीं लगाया। हम विकास को हम शून्य मानते हैं और रूटीन वर्क विकास नहीं होता है। विकास होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम किसी समाज से आ रहे हैं, समाज का एक बड़ा भरोसा होता है, विश्वास होता है कि निषाद समाज का, मलाह समाज का, कि हमारे अपने सांसद हुए, हमारे हमारी गरीबी को दूर करेंगे, हमारे विकास की बात करेंगे। लेकिन हम जहां तक समझते हैं उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर को आज भी एक मांझी की तलाश है, ऐसा मांझी जो विकास के क्षेत्र का बेड़ा पार लगाए, जो क्षेत्र का खेवनहार बने। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को बीते 30 सालों से निषाद समाज का प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन ये समाज आज भी हाशिए पर खड़ा है और इनकी जिंदगी बीच मझधार में हिचकोले खा रही है। इस बार की बात करें तो दोनों प्रत्याशी निषाद समाज के ही हैं। अब देखना है कि निषाद समाज किस प्रत्याशी को अपना खेवन हार बनाती है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज मुजफ्फरपुर। तो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र पूर्वांचल की चर्चित सीटों में से एक है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़े मुकाबले की भी उम्मीद इस बार की जा रही है। जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं लोकसभा चुनाव और 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जौनपुर में होने वाली आज की इस रैली को लेकर कृपाशंकर सिंह से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है कृपाशंकर सिंह का इन लोकसभा चुनावों को लेकर और प्रधानमंत्री की रैली को लेकर, आइए सुनते हैं। जौनपुर एक प्रतिष्ठित सीट है, जीतने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से कृपाशंकर सिंह जी और 16 मई को प्रधानमंत्री खुद यहाँ रैली करने जा रहे हैं। ये रैली कितनी महत्वपूर्ण है और क्या तैयारी है, कितने लोग की उम्मीद है इस रैली में आने की? पहले एक समय था कि भगवान राम जहाँ जहाँ जाते थे वो भूमि अयोध्या हो जाती थी। ये जौनपुर का सौभाग्य है कि कल जो है ये चुनावी रैली के लिए कल यहाँ आ रहे हैं और 10 बजे टीडी कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम है और मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि भारी संख्या में लोग यहाँ आएँ और आकर के रैली को सफल बनाएं और प्रधानमंत्री को सुनें। जो धनंजय जी ने अनाउंस किया है कि भाजपा को वो समर्थन दे रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, कोई भी भाजपा को समर्थन मैं स्वागत करता हूँ। धनंजय सिंह ने भाजपा का समर्थन किया। 2014 के पहले भारत देखो, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देखो, गांव में देवरी जला के लोग अपना बच्चे पढ़ते थे। हमने भी लालटेन जला के पढ़ाई पढ़ी है। बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नाले तो छोड़ दीजिए, नाले घर के द्वार में दरवाजे के अगल बगल होते थे। आज बिजली मिल रही है, नाला बन रहा है, सीमेंट की पक्की सड़क गांव में बने कभी सोच नहीं सकते थे। तो ये जो सुविधाएँ हैं, मूलभूत सुविधाएँ, कल्याणकारी काम है, यही तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी देखा है। इसलिए जो भी लोग समर्थन दे उसका स्वागत करते हैं। कृषि के लिए जैसे मक्का है, मूली है, इसके लिए जाना जाता है, इसके लिए आपके दिमाग में कोई योजना है? नहीं, कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। कृपाशंकर जी, यहाँ के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, चाहे वो कृषि के लिए हों, शिक्षा के लिए हों या स्वास्थ्य के लिए हों, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसमें इनका भी विश्वास है और उसी को लेकर जौनपुर आगे बढ़ेगा, ऐसी सोच है और धन्य जैसे बहुत से लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज जौनपुर। और इसी के साथ लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों में 24 की चुनौती में इतना ही। और चलिए अब लोकसभा चुनावों की तमाम खबरों के बाद अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम की रात रांची के ईडी दफ्तर में गुजरी। दरअसल अब आज की अगर हम बात करें तो सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की पूरी कोशिश होगी कि आलमगीर को रिमांड पर लिया जाए ताकि कैश कांड में उनसे जरूरी सवाल जवाब किए जा सकें। अब देखना यह होगा कि अदालत कितने दिन की ईडी रिमांड तय करेगी। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय देख रहे आलमगीर आलम को कल देर शाम 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था।
इससे पहले 6 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और इस दौरान ईडी ने संजीव लाल, उनके नौकर और एक बिल्डर के ठिकाने से करीब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की थी, जिसके बाद में ईडी ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया था और अब आज आलमगीर आलम को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड ईडी को देती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना अहम फैसला सुना सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज अंतिम सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुना सकता है। तो वही मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। मध्य प्रदेश की अब बात करते हैं, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात भीषण सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि यह हादसा जो है वो इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ और इस घटना के बारे में और जानकारी देते हुए ग्रामीण DSP उमाकांत चौधरी ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब एक अज्ञात वाहन और जीप के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं हादसे में एक शख्स अभी भी घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भी भेज दिया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पेटवा थाना क्षेत्र में धार बॉर्डर के नजदीक एक्सीडेंट जब पुलिस ने जाके देखा तो एक बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मिली, जिसमें कुल 9 लोग सवार थे और उसमें से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें से एक महिला भी है। और प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भिलाला समाज के कुछ व्यक्ति हैं और ये लोग बागटांडा तरफ से आ रहे थे और गुना की तरफ जाना है इनका बताया गया है। सभी की बॉडी पुलिस के द्वारा बेटमा पुलिस वहाँ मौके पर है, SDOP और थाना प्रभारी वहाँ मौके पर हैं और इनके द्वारा सभी की बॉडी जो है वो इंदौर भेजी जा रही है और जो घायल है उसको उपचार के लिए भेजा गया। उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आगामी 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके साथ ही गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र और कच्छ में शनिवार से और रविवार से दिल्ली, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। और वहीं अगर बात केरल की करें तो पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के बाद अब देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने भी लगा है। मुंबई की सबसे पहले बात करते हैं, जहां भारी बारिश और तूफान के बाद मौसम विभाग ने केरल में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसे देखते हुए राज्य के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश की होने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और चलिए अब बात करते हैं कांस फेस्टिवल की। दरअसल फ्रांस में इस समय कान फिल्म फेस्टिवल की धूम है और सभी बड़े सितारे यहाँ पर एक साथ एक जगह नजर आ रहे हैं और इन सब में सबसे अलग भारत भी है और यहाँ इस मंच पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यहाँ पहली बार हो रहे भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। साथ ही ऐसा पहली बार होगा जब कान फिल्म फेस्टिवल में IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी लॉन्च किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात खेल जगत की भी कर लेते हैं, जहां ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद पहली बार नीरज चोपड़ा भारत में किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए फील्ड पर उतरे। उन्होंने फेडरेशन कप के पुरुष जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। नीरज ने 82.27 मीटर के थ्रो के साथ
स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने अंतिम बार मार्च 2021 में इसी टूर्नामेंट में घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 87.80 मीटर के थ्रो से गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक गोल्ड भी जीता। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा मेरे और सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।